यार दोस्तों, अभी आप जो मेरे पीछे टैंक देख रहे हैं, ये है अफ्रीकन सिकलेट्स का टैंक। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये टैंक क्या है। अफ्रीकन सिकलेट्स का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, क्या खाना खिलाना चाहिए, मतलब पूरी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो यार बात करें अगर अपन लोग अफ्रीकन सिकलेट्स की, तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छी फिशेस होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड फिश हैं, इजीली इनको कोई ऐसी बीमारी होती नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिशेस हैं, कंटिन्यूसली आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूसली मूविंग हैं। तो एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव टैंक सेटअप ये दिखाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत सारे अलग अलग कलर्स में आती है, और इसके साथ साथ ये नॉनवेज फिशेस की वैरायटी है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप गोल्ड फिश या फिर तो एक नया टैंक सेटअप करने जा रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट टाइम टैंक है, तो मेरे हिसाब से कभी भी गोल्ड फिशेस आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो थोड़ी हार्ड फिशेस हैं कंपेयर्ड टू देम। क्योंकि ये सिकलेट्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिकलेट्स फिश ही बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर की होती हैं, इनको मैनेज करना ईजी होता है, बस डिफ़िकल्टीज आती हैं इनके एग्रेशन पर। ये फिशेस एग्रेसिव होती हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे ही इतनी ज़्यादा सुंदर वैरायटी में, इतने सारे कलर्स में आती हैं, तो इनको आप एक ही टैंक में रख सकते हैं सेम वैरायटीज़, तो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे अभी ये वाला जो मेरा टैंक है, इसमें येलो लैब है, और इसमें एल्बिनो है, और इसमें कुछ ब्लू सिकलेट्स हैं, ब्लू ज़ेब्रा सिकलेट्स। तो अगर अपन लोग बात करें कि सिकलेट्स आई कहाँ से, तो सिकलेट्स का जो ओरिजिन है वो है लेक मलावी से, जो कि अफ्रीका की एक बहुत बड़ी लेक है। उधर पे 700 से भी ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन आपको एक्वेरियम शॉप्स में केवल 3 ही मिल पाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें आ जाती हैं आपकी पिकॉक, हैप्स और अम्बुना। तो ये 3 वैरायटीज आपको मिलेंगी। हैप्स और पिकॉक मेरे पास नहीं है, मेरे पास केवल अम्बुना है, और अम्बुना में भी मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी हैं। मेरे पास है एल्बिनो और मेरे पास है येलो लैब। तो ये हो गए फिशेस जो मेरे पास हैं अभी, और मेरे पास कुछ ब्लू सिकलेट्स भी हैं, ब्लू ज़ेब्रा सिकलेट्स। तो यार अब हम लोग बात करते हैं इन सिकलेट्स के वाटर पीएच के बारे में। तो इन लोगों को चाहिए रहता है 7 से 8.4 का वाटर पीएच, इसलिए आपको पीएच मेंटेन करना है। तो आप इस टैंक में सॉल्ट डाल सकते हैं, याद रखिए 10 ग्राम सॉल्ट 100 लीटर्स ऑफ वाटर पे 0.5 पीएच बढ़ाता है। तो उस हिसाब से आप सॉल्ट डाल के अपना पीएच मैनेज कर सकते हैं। बात रही इनको क्या टेम्परेचर चाहिए रहता है, तो लेक मलावी थोड़ी सी वार्म वाटर लेक है, तो इनको वहाँ पे टेम्परेचर चाहिए रहता है 28 से लेके 31 डिग्री के बीच में, उसलिए मैंने यहाँ पे एक हीटर लगा के रखा है। फिल्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है अगर आप सिकलेट्स रख रहे हैं, क्योंकि जो सिकलेट्स हैं वो कम्युनिटी फिश हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी में फैलाती हैं और खाती भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो आपको यूज़ करना चाहिए टॉप फिल्टर, जैसे कि मैंने यूज़ करके रखा है, क्योंकि उससे सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आएंगी और कोई भी इम्प्योरिटी वाटर में नहीं बचेगी, जितनी बचेगी भी वो सॉइल में डिपॉजिट हो जाएगी। इसमें बायो रिंग्स डाल सकते हैं आप, बायो मीडिया यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। टैंक में कई सारी सिरेमिक रिंग्स डली हुई हैं। आप फिल्ट्रेशन अच्छा रखेंगे तो आपकी फिशेस हेल्दी रहेंगी, लंबा जिएंगी, ज़्यादा अच्छे कलर्स आएंगे उन पे, और टोटल आप भी खुश रहोगे, आपकी फिशेस भी खुश रहेंगी। जो सिकलेट्स होती हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक हायरार्की मेंटेन करती हैं, यानी कि एक इनका लीडर होता है, उसके नीचे इनका सेनापति, सेनापति के नीचे जो सेना सैनिक हो गए, और उसके नीचे हवलदार, और फिर ऐसे ऐसे करके, मतलब एक पूरी आर्मी की तरह एक हायरार्की इनके अंदर भी फॉलो होती है। तो अगर आप देखेंगे कि ये वाली जो सिकलेट है अभी, ये सबसे ऊपर तैरती है जनरली टैंक के ऊपर, इनका इसका जो साइज़ है ये भी बाकियों से ज़्यादा बड़ा है। तो ये सिकलेट है इनकी बॉस। नीचे जो आपको सिकलेट्स दिखेंगी, ये लोग लोअर लेवल की सिकलेट्स हैं, यानी ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। खाना भी खाएगी तो पहले ये वाली सिकलेट खाएगी, उसके बाद बाकी की सिकलेट्स खाएंगी। ये सबसे ज़्यादा सारी लड़ाइयों को ये रोकेगी भी। अच्छी बात ये है कि अगर दो सिकलेट्स लड़ रही हैं आपस में, तो ये लड़ाई को जाके रोकेगी भी,
तो अगर आप जैसे ही पानी में मछलियाँ डालते हैं तो थोड़े दिन बाद आपको एक हायरार्की उसमें दिखने लगेगी। उस वजह से अफ्रीकन सेकलेट्स का टैंक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर अपन लोग बात करें कि इनकी हायरार्की में अगर जैसे क्या होता है जनरली कि कोई प्रॉपर टैंक बॉस नहीं बन पाता तो बाकी की जो सेकलेट्स हैं आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती हैं। तो एक आधी सेकलेट्स ही ज़्यादातर लड़ती हैं और ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हॉस्पिटल टैंक होना चाहिए आपके पास जिसके अंदर आप उस फिश को शिफ्ट कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, 5 से 10 दिन के लिए। उससे क्या होगा कि वो भूल जाएगी कि वो इस टैंक में एक हायरार्की सेट करना चाह रही थी, और अल्टीमेटली क्या होगा उससे इस टैंक की हायरार्की पहले सेट हो जाएगी। वापस आप जब इस फिश को उसके अंदर डालेंगे तो बाकी सेकलेट्स लड़ेंगी नहीं उससे। एक बात और आप याद रखिएगा कि अगर आप कभी भी नई फिशेज लाएं अपने टैंक में ऐड करने के लिए, तो मान लीजिए आपके पास 8 सेकलेट्स हैं तो कभी भी एक या दो और मत लाइए। अगर आपको लानी ही है सेकलेट्स तो उनको मिनिमम 7 से 8 के ग्रुप में लाइए। उससे क्या होगा ना कि बाकी की जो हायरार्की बनी हुई सेकलेट्स हैं जो कि फैमिली सेकलेट्स हैं वो सब उन एक या दो मछली से लड़ेंगी नहीं, उसको मारेंगी नहीं। अगर आप ग्रुप डालते हैं, अगर एक या दो को डालेंगे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। अभी जैसे मैं भी लाया था, पहले मेरे पास केवल येलो वाली सिकलेट्स थी, लाब सिकलेट्स येलो लाब थी, उसके बाद मैं आल्बिनो लाया 8 पीस। तो अब एक अच्छी खासी हायरार्की सेट हो चुकी है इस टैंक में। सिकलेट्स को रेत से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पूरे टैंक में रेत उठाती रहेंगी, रेत इधर से उधर करेंगी, उनको छुपने की बहुत आदत होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे टैंक में कई सारी रॉक्स जली हुई हैं और उनके बीच में गैप्स हैं, हाइडिंग स्पेसेस हैं, जिससे क्या होता है वो सिकलेट्स इधर उधर छुपती रहती हैं। सिकलेट्स की अगर अपन लोग ब्रीडिंग की बात करें तो इनके जो बच्चे होते हैं वो अपने मुँह के अंदर माँ बाप पालते हैं। अगर ब्रीडिंग की बात आई गई है तो मैं आपको मेल फीमेल के बीच में डिफरेंस बता देता हूँ। तो जो मेल्स होती हैं, जो मेल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते हैं मेल्स। लेकिन वहीं पर जो फीमेल्स होती हैं उनका थोड़ा डल कलर होता है। और अगर आपको ब्रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, अगर आपको केवल सिकलेट्स अपने शौक के लिए रखना है, पालने के लिए रखना है, तो मेल्स आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रीडिंग करनी है सिकलेट्स की तो बेस्ट रहेगा कि आप 4:1 की रेशियो में इन मछलियों को रखें, यानी एक मेल पे 4 फीमेल्स मिनिमम होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके पास बच्चे भी ज़्यादा होंगे और टैंक में लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ज़्यादा मेल्स हैं और कम फीमेल्स हैं तो मेल्स आपस में लड़ने लगते हैं बाकी फीमेल्स को इम्प्रेस करने के लिए, अपने जीन्स को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर आप ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो 1:4 के रेशियो पर रखिए, एक मेल 4 फीमेल्स। तो यही है इन फिशेस के बारे में। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जितनी भी सिकलेट्स होती हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग फिश हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उनको थोड़ा सा अच्छा खासा आप फ्लो भी रख सकते हैं टैंक में। तो टैंक में फ्लो रखने के लिए आप टॉप फिल्टर जैसे मैंने आपको बताया ही, लेकिन वो फ्लो वाला फिल्टर रखिए ताकि क्या होगा वाटर सर्कुलेट होगा, उससे वाटर साफ रहेगा। तो ये एक आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा। तो यार अब आ जाते हैं हम अपने सिकलेट्स को देता क्या हूँ। तो सिकलेट्स जो हैं वो हैं एक ओमनीवोरस फिश और स्पेशली एम्बोना। तो ये जो हैं ये काई खाती हैं नेचुरल हैबिटाट्स में, और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, छोटी फिशेस इनको भी खाती हैं। तो मैं इनको अभी तो दे रहा हूँ टेयो का हायरेड फूड जो कि फ्लावर हॉर्न फूड है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप कभी भी अपने फिशेस को फूड दे रहे हैं तो उनके मुँह के साइज़ के हिसाब से आप देख के दीजिए, ऐसा ना हो कि उनके मुंह में दाना घुसे ही ना। उससे क्या होगा कि ना खाना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, नाइट्रेट्स बनेंगे, आपकी वाटर लेवल, आपकी वाटर कंडीशंस ख़राब होंगी अगर खाना बचा रहेगा तो। इसके साथ साथ मैं इनको देता हूँ ट्यूबी फिक्स वॉर्म्स, और कभी कभार मैं इनको स्नेल्स वगैरह दे देता हूँ, कभी कभार मैं इनको अर्थ वॉर्म्स दे देता हूँ मिट्टी विट्टी से निकाल के। एक वैरायटी ऑफ डाइट इनको मैं देता हूँ। अगर वेजिटेरियन की बात करें तो मैं इनको खीरा देता हूँ, खीरा काफ़ी अच्छे से ये लोग खाते हैं। उसके साथ साथ कभी कभार मैं इनको एग दे देता हूँ, बॉयल एग, वो भी ये काफ़ी अच्छे से खाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप वैरायटी का खाना खिलाएंगे उतने ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके फिशेस को मिलेंगे, उतना ज़्यादा इनका कलर अच्छा होगा, इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी फिशेस खुश रहेंगी, अल्टीमेटली आपकी फिशेस नहीं मरेंगी और आप भी खुश रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना एक ओपिनियन रखूँ तो सिकलेट्स ना बहुत ज़्यादा अच्छी फिशेज हैं आप अगर उनको पाल रहे हो तो। क्योंकि यार इजी टू मेंटेन है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मूविंग फिशेज हैं, मतलब आपको कंटिन्यूसली मूवमेंट इनमें दिखेगा ही, पूरे टैंक में भी आप देख पा रहोगे, इधर से उधर इधर से उधर, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती हैं।
हायरार्की है तो आपको इसमें सास बहू का सीरियल देखने को फ्री में मिल जाएगा। और साथ साथ क्या होगा ना कि ये फिशेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। जैसे अगर मैं ऐसे ऐसे हाथ करूँगा ना तो कई सारी फिशेस आ जाती हैं। जैसे अभी तो नहीं आ रही है, अभी मैं खाना दे चुका हूँ। जैसे अभी भी आप देख पा रहे हैं एक आधी फिशेस आ गई हैं इधर पे। तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव टैंक होगा, इंट्रैक्टिव टैंक होगा। साथ साथ इस टैंक में मैंने शकर कैट भी रख के रखी है और एक फायर माउथ भी है। वो मेरे एक्चुअली हॉस्पिटल टैंक में बहुत पहले थी तो मैंने इन्हीं में डाल दी, तो फिर अभी वो इनके साथ बढ़िया से मैनेज कर रही है। यार एक चीज़ और, आप कभी भी टैंक ला रहे हो तो टैंक का साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सिकलेट्स यार काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। जैसे 3 से 4 इंच की भी ये हो जाती हैं आराम से। तो टैंक का साइज़ बड़ा रखिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार मूविंग फिश है तो उनको जितना ज़्यादा मूवमेंट मिलेगा, मतलब जितना ज़्यादा ये लंबा लंबा तैर पाएंगी, उससे इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हायरार्की है तो इनको क्या है, हाइडिंग स्पेसेस अलग अलग चाहिए रहती हैं। टैंक का साइज़ बड़ा होगा, लड़ाई कम होगी, फिशेस की मौत कम होगी, फिशेस खुश रहेंगी, आप भी खुश रहोगे। तो अगर अपन लोग एक कंक्लूजन निकालें तो अगर आप एक सिकलेट टैंक रख रहे हैं, पहली चीज़ 7.17 से लेके 8.4 तक का आपका पीएच होना चाहिए। वाटर टेम्परेचर होना चाहिए 32 डिग्री मैक्स टू मैक्स, और मिनिमम होना चाहिए 28 डिग्रीज। उसके बाद फिल्ट्रेशन टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। आप एक्सटर्नल फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, आप टॉप फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात रही इनके फूड की, तो प्रॉपर आपको एक वैरायटी ऑफ डाइट इनको प्रोवाइड करना है, जिससे काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगी। इसके साथ साथ सैंड ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि सैंड को इधर उधर करने की इनकी आदत रहती है। आपको हाइडिंग स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करनी है। आपकी फिशेस हमेशा हमेशा हेल्दी रहेंगी अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। और स्पेशली जो मेन पॉइंट था इनका, वो था इनका वाटर। वाटर को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इनको पालने में। तो यार बस यही था इस टैंक के बारे में। मिलता हूँ आपको ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।